हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स, दिस इज माही। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और हम बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एंड देन हम बात कर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र। ओके, विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र आप बात करो, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां पे आपको मैं बात बता रहा हूं कि जैसे आप क्या करते हो, सपोज करो ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है, जब किसी वस्तु को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र कवर करता है। मतलब अगर किसी को प्लस क्यू आवेश दें तो चारों तरफ ऐसे इस तरह से क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र कवर करेगा। क्या कवर करेगा? विद्युत क्षेत्र कवर। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये मेरा घोड़ा है, सपोज करो ये मेरा घोड़ा है और घोड़े का लेंथ इतना है, तो ये लेंथ तक अपने क्या करेगा, दूर को मतलब भास को चढ़ सकता है, तो ये इसका क्या होगा, घोड़े का क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार हमारे पास विद्युत का क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारा हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, हमने क्या किया इसको, हमने इसको दिया प्लस क्यू आवेश, और जब प्लस क्यू आवेश दिया तो ये चारों तरफ क्या किया, विद्युत क्षेत्र कवर किया। क्या कवर किया? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएफ कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? ईएफ कहते हैं। ठीक है, ईएफ मतलब समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आया। अब मैं बात कर लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, ये आपका सिंपल सा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, मैं किसी पदार्थ को मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश दूंगा तो ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर करेगा। क्या कवर करेगा? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर करेगा। और यहां पे अगर एकांक धन आवेश रख दें तो ये हमारा क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर लेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, अनुसार। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार हमारा कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 / r². ठीक है, अब सपोज करो हमारा Q2 को अगर हम इकाई ले लें, क्या कह लें, Q2 को, इफ Q2 इज इक्वल टू 1, अगर हमारा Q जो हो इकाई हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब हमारा आवेश इकाई हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमारे बल के बराबर हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे प्रदर्शित करते हैं, तो जब हमारा Q2 क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा हमारे, किसके बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो होगा बल के बराबर हो जाएगा। तो बल के जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, और क्या बोलते हैं, 1/4πε0, और ये हमारे पास हो जाएगा Q1/r² क्या हो जाएगा, / r². ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, आपको यहां पे और बता देता हूं। तो आप चलो दोनों साइड क्या लिखोगे, दोनों तरफ Q0 का गुणा कराने पर ठीक है, जब दोनों तरफ Q0 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E हमारे पास हो जाएगा E Q
क्यू नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, ये हो जाएगा क्यू नॉट बटे का आर स्क्वायर। अभी आपने देखा कि एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन द आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ के इक्वल, किसके इक्वल लिख सकते हैं एफ के। तो हमारा ई इज इक्वल टू ई क्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा ई क्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ। तो हम इसको ई इज इक्वल टू निकाल लें, इसको हम क्या कर लें, इसको हम ई इज इक्वल टू निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटे एफ, क्या हो जाएगा, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं एफ बटे क्यू नॉट, क्या लिख सकते हैं इसको एफ बटे क्यू नॉट, ये हमारा इसका क्या हो गया। अब देखिए हम इसकी सूत्र की इसकी परिभाषा की बात करें तो हम विद्युत क्षेत्र में रखा, याद रखो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश रखा और एकांक धनावेश को हम परिक्षण आवेश के भी नाम से जानते हैं। तो हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका, कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डिफिनेशन आप मेरे लेक्चर को सुन करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स।